वही गाइस, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ क्या पबजी मोबाइल इंडिया आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर पबजी मोबाइल इंडिया आ रहा है तो कब तक मैं आप सबको देखने को मिलेगा, इसका रिलीज डेट क्या हो सकता है। इसके बाद फौजी वर्सेस पबजी मोबाइल, फौजी और पबजी मोबाइल में यार पूरी तरह से फाइट हो चुका है। तो यार ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में आप सबको बताऊँगा। इसके बाद मैं आप सबको बताने वाला हूँ टिकटॉक, क्या टिकटॉक वापस फिर से आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है। तो पूरा वीडियो देखना, ये वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा एक अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में। तो हे गाइस, अगर आप सब घर बैठ के प्रेडिक्शन करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ऐप का नाम है नॉस्ट्रा प्रो। तो नॉस्ट्रा प्रो ऐप स्पोर्ट्स फैंटेसी एंड स्पोर्ट प्रेडिक्शन ऐप है और साथ में यहाँ पे कैजुअल गेम भी आप सभी को मिल जाएंगे। बेस्ट अर्निंग एप्लीकेशन, इसको आप सब iOS एंड्रॉइड और अपने कंप्यूटर के द्वारा खेल सकते हो। तो इस ऐप में मेरा एक फेवरेट गेम है नॉस्ट्रा रमी। रमी गेम के बारे में आपको पता होगा, एक कैसियनो गेम है और उसको खेल के आप सब लाखों का कमा सकते हो, जीत सकते हो। नॉस्ट्रा रमी में आप सब पॉइंट रमी, पूल रमी और डील रमी को खेल पाएंगे और अपने प्राइवेट टेबल अपने फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हैं। तो जाइए आप सब डाउनलोड कीजिए, पैसे कमाइए। इसके अंदर 5 रुपए से लेके 12,000 रुपए तक आप सब कंटेस्ट को खेल सकते हैं। तो इसमें विड्रॉल लिमिट भी नहीं, आप सब लिमिटेड पैसे इसके अंदर निकाल सकते हो और 100 रुपया साइन अप बोनस भी मिल रहा है। तो सबसे पहला जो न्यूज सामने में आ रहा है यार, फौजी वर्सेस पबजी मोबाइल, तो भाई साहब दोनों में घमासान युद्ध चल रहा है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका रीजन सबसे पहला बात यह है कि आपको पता होगा पबजी मोबाइल जो इंडिया अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और सभी लोग यार फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो यार गुस्सा तो यार अपने आपको पता होगा यार, पूरा एकदम सर से लेके यार पाँव से लेके सर तक पूरा चढ़ चुका है और लोग वेट कर रहे हैं पबजी मोबाइल इंडिया कब तक में आएगा। तो वैसे तो यार आपको पता होगा पबजी मोबाइल इंडिया नहीं भी आ रहा है, फिर भी लोग पबजी मोबाइल को गेम खेल ही रहे हैं। पबजी मोबाइल केआर वर्जन खेला है, बहुत सारे लोग पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन भी खेला है। पर भाई साहब गुस्सा यार इतने ज़्यादा लोगों को बढ़ा हुआ है यार पबजी मोबाइल को यार लेकर, यार फौजी गेम पर सारा गुस्सा उतार दिया है। तो आपको पता होगा यार फौजी गेम जब लॉन्च हुआ उसके बाद फौजी गेम का एक मैप दिया गया है, आपका गलवान घाटी को उसके दिखाया गया, पूरा रियलिस्टिक करके दिखाया गया। पर उसमें दिक्कत की बात यही था कि यार जब भी आप सब गेम को खेलोगे उस गेम को, तो बस आप सब मुक्का से उसको मारते रहो, मारते 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 भाई आप थक जाओगे पर वो बंदा आपको नहीं मारेगा। तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया यार, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं यार उस गेम को खेल के, फौजी गेम को। इसी वजह से जो भी पबजी मोबाइल इंडिया का वेट करे थे भाई साहब, उनसे भी गुस्सा यार फूट फूट के यार बाहर निकलने लगा और यार प्ले स्टोर पर जाके यार फौजी गेम को रेटिंग इतना ज़्यादा कम कर दिए हैं। तो भाई साहब देख सो 3.3 का रेटिंग अभी बचा है। तो सभी लोगों को पता होगा यार फौजी गेम अच्छा गेम है पर उसमें जो मैप डाला गया है और वो उतना आपको पता होगा रियलिस्टिक जो भी होता है रियल लाइफ में जो हुआ था गलवान घाटी में फाइट, तो इसी वजह से उसमें नॉर्मल मैप को डाला गया है और नेक्स्ट मैप आने वाला न्यू मैप आप सबको देखने को मिलने वाला है। तो मैं आपको बोलूँगा भाई साहब रेटिंग वगैरह आप सब मत इसको ख़राब करो और यार इतना ज़्यादा रेटिंग इसको गिरा दियो भाई साहब। जो भी इसका यार आपको पता होगा जो विशाल गोंडर जो इनके ऑनर है या जो इनको क्रिएट किए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है भाई साहब। इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट कर रहा है, बोल रहे हैं भाई साहब कि मैं न्यू मैप लाने वाला हूँ, TDM मैप भी आने वाला है, साथ ही साथ बैटल रॉयल जो मैप होता है वो भी लाने वाला है। तो भाई साहब आप सब वेट कर लो, तो कुछ ही दिन में आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ जो भी पबजी मोबाइल इंडिया का वेट कर रहे हो, तो भाई साहब पबजी मोबाइल इंडिया ही बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। तो मैं आपसे काफ़ी दिन पहले आपको बोला था कि पबजी मोबाइल इंडिया आएगा, तो आपको फिर से मैं आपसे बता रहा हूँ पबजी मोबाइल इंडिया 100% वापस आने वाला है। तो इसका मैं आपसे कुछ डेट बता देता हूँ, आपसे फरवरी के एंड तक देखने को मिलेगा या फिर आपको मार्च के एंड तक में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपसे को लास्ट में वीडियो बना रहा हूँ यार पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेटेड कि पबजी मोबाइल इंडिया कब तक में आएगा। तो फाइनल मेरा डिसीजन ये है कि पबजी मोबाइल इंडिया जो आपको देखने को मिलेगा मार्च से पहले देखने को मिल जाएगा। तो मार्च जो वो महीना होता है उसका एंड से पहले आपको पबजी मोबाइल इंडिया देखने को मिल जाएगा। 100 में से मेरे को लगता है 80% चांस है आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए इस बात पर लाइक ठोको यार, क्योंकि आपको पता होगा, तो आप सब में से सभी लोगों को पता होगा टैपटॉप एप्लीकेशन के बारे में। टैपटॉप एप्लीकेशन के ऊपर एक ऑफिशियल राजपूत नाम का बंदे ने पूछा भाई पबजी मोबाइल कब आएगा, तो देख सकते हो उसमें जवाब दिया पबजी मोबाइल का जो होता है टीम होता है उसने जवाब दिया 1 मार्च को आने वाला है। तो ऐसा ना उसने जवाब दिया, बाद में इसी कमेंट को डिलीट कर दिया गया है। अभी अगर आप सब चेक करोगे जाकर आपको चेक करोगे तो आपको ये कमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपको पता होगा यार जो भी बंदा पूछता है कमेंट पे उसका जवाब अगर कोई टीम के द्वारा मिलता है तो आपको पता होगा उसमें 100 में से कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता है उसमें सच्चाई देखने को मिलता है। तो इसी अंदाज़ा मैं लगा रहा हूँ कि पबजी मोबाइल जो इंडिया आपको आने वाला है मार्च के एंड से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब वेट करते इस चीज़ को आने का। एक और न्यूज़ जो देखने को मिला भाई साहब टिकटॉक को लेकर,
तो टिकटॉक का जो टीम होता है भाई सब पूरा इंडियन गवर्नमेंट से बात करे कि टिकटॉक को वापस लाया जाए, तो टिकटॉक को वापस लाने का कोई भी चांस बचा नहीं है। तो फाइनली गवर्नमेंट ने परमानेंट इसको बैन मार दिया है और बोला भाई साहब आप बोरिया बिस्तर अपना उठाओ और भाई साहब निकल लो पहली फुर्सत में, क्योंकि भाई साहब टिकटॉक वापस आने वाला नहीं है। तो जो भी लोग यार टिकटॉक का यार फैन हो भाई साहब वीडियो को लाइक मत करना, क्योंकि यार मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो यार इंडिया का गवर्नमेंट बोले मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंडिया का गवर्नमेंट बोल दिया है भाई साहब टिकटॉक वापस नहीं आने वाला है, कोई भी चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है कि टिकटॉक वापस आने वाला है। तो जो भी भाई साहब टिकटॉक का फैन हो भाई साहब भूल जाओ, टिकटॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जहाँ तक की रही बात आपका फौजी का न्यू मैप के बारे में, तो फौजी का न्यू मैप आप सबको देखने को मिलेगा फरवरी के एंड तक, आप सबको देखने को मिल जाएगा न्यू टीडीएम मोड आप सबको देखने को मिल जाएगा। और जहाँ रही पबजी मोबाइल इंडिया का लॉन्च होने का, तो आप सबको मार्च के एंड से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही था कुछ कमाल का न्यूज़ मैंने आप सबको पूरा अच्छा तरीका से बता दिया। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आप सबको तो 5 लाइक कर देना। अगर आप सबको किसी भी और भी न्यूज़ का पबजी मोबाइल का टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जानना है भाई साहब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मैं फिर तो अगले दिन को भी साथ, गुड बाय एंड थैंक यू।